तारीज आ गई है कॉफी बनके। और कौन लाया राज? ये मामा जी की आती कॉफी है। मामा जी बना के लाए। बहुत टेस्टी बनाते हैं मामा जी कॉफी। पहले भी कई बार पी चुका हूँ। कब भी यार ऐसे मत बोल, मामी बनाती थी यार। आटे में नमक जितना तो चलता है। हर बार मामी के हाथ से ही पीता था यार, मामा के हाथ से पहली बार पी रहा होगा आज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह के बजे हैं 9, आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अब, और मेरी चाय भी बन रही है अब। तो गाइज आज मैं लेट से उठी थी, 8 बजे उठ गई थी। 8 बजे उठ के मैं नहा धो के रेडी हो गई, और बच्चों की तबीयत मेरी दोनों बच्चों की ऐसी हो रही है आज, ढीली ढाली सी। बच्चे स्कूल नहीं गए तो इसीलिए मैं भी थोड़ा लेट से उठी थी। अब बना रही हूँ चाय, अब पीऊंगी चाय। तो देखना गाइज, अदरक की खुशबू आ रही है, मस्त वाली चाय पक गई है। अब इसमें डालूंगी दूध, दूध फ्रिज में था, इतना मलाई भी जमी है, बर्फ भी जम गई इसमें। तो चाय उबल गई है, इसमें डालूंगी अब मैं कॉफी। कॉफी डालते हुए उबाल आ जाती है चाय। तो गाइज मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, घर का सारा काम कर लिया है, और देखना मैंने लंच भी बना दिया है। 12 बज गए हैं, तो मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया, सीधा लंच ही बना दिया, क्योंकि अब सब लेट ही उठे, फिर तबीयत भी सबके ऐसी हो रही थी ढीली ढाली सी। और राज को तो उल्टियां आ रही थी, पेट में दर्द उसका, और हमने उसको दवाई भी दी यहाँ से केमिस्ट से लाके, वो दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ उसको। फिर रात को इमरजेंसी में ले जाना पड़ा उसको, फिर इमरजेंसी में ले जाके हॉस्पिटल में, फिर उसने एक इंजेक्शन लगाया उसको और दवाई दी, तब जाके उसको आराम मिला। और फिर घर आया, घर आके कह रहा था कुछ खाना है मम्मी, मैंने मना कर दिया फिर उसको खाने के लिए। मैंने कहा सुबह ही खाएगा अब खाना, तो सुबह भी उठते उठते इतनी लेट हो गई उसको, और अब जाके बना रखी है मैंने कढ़ी चावल बना रखे हैं उसके लिए हल्का खाना, और अपने लिए बना रखी है दाल और चावल। और सगुन को वैक्सीन की वजह से बुखार सा चढ़ रखा है उसको भी, वो उम्र वाले टीका लगा था उसको, जो 16 साल में लगता है ना, वो वाला टीका लगा था उसको, तो उसके लिए बना रखी है मैंने रोटियां। तो यह है लंच में हमारा आज। आज मौसम बहुत खराब हो रहा है, आज बारिश का मौसम हो रहा है, बादल लगे हैं, और मेरी ना आज सर में दर्द हो गई बहुत, मैंने इतना सारा तेल लगा रखा है सर पे, और मैं सो गई थी, और अभी अभी उठ रही हूँ मैं। अभी बज गए हैं 4:30 बज गए हैं, और बाहर भी बादल लगे हैं, मौसम सही नहीं हो रहा है। अब मैं बना रही हूँ चाय, थोड़ा चाय पीऊंगी, और मेरे सर में दर्द भी ऐसी है, अभी ठीक भी नहीं हुआ, दवाई खा के सोई थी, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। देखती हूँ चाय पीती हूँ, थोड़ा चाय पी के ठीक होएगा। तो देखना गाइस कैसा मौसम हो रहा है, बादल लगे पड़े हैं आसमान में सारे, देखना ना बारिश हो जाएगी तो मेरे पौधे धुल जाएंगे अच्छे से, कितनी धूल धूल हो रही है इनमें, देखना ये सारे पौधों में धूल धूल हो रखी है, बारिश हो जाएगी तो ये धुल जाएंगे ढंग से। ये देखना गाइज मैंने सरसों का राई का पौधा बोया था, 2-3 पौधे और रखे, इतने अच्छे पत्ते हो रखे हैं इसकी,
और इसमें है एलोवेरा भी है और एक गिलोय की बेल भी है, ये ऊपर जा रही है नींबू के पेड़ में। और राई के पत्ते इतने अच्छे हो रखे हैं। देखना सारे पौधे धुल जाएंगे, कितनी धूल धूल हो रही है इनमें पौधों में। ये देखना फूल कैसे खिल रहे हैं, इतने अच्छे खिलते ही खिल नहीं पा रहे, इधर भी हो रहे हैं। देखना यहाँ, देखना गाइस मेरी चाय बन गई है, ये देखना अदरक वाली चाय। अब इसमें ऐड करूंगी दूध, तो गाइस मेरी चाय बन गई है, एक मेरी और राज की है। ये राज कह रहा है मुझे भी फैन वगैरह खाना है, हमने खाना खा लिया था 12 बजे, अब उसको भूख लग गई होगी, वैसे तो चाय पीता नहीं था, तो कह रहा था कुछ खाना है पकौड़े वगैरह। मैंने कहा ऐसी कोई चीज नहीं खानी है, चाय के साथ फैन खा ले तब भी, तो अब उसको फैन दे रही हूँ चाय के साथ। चल आ जा राज, तो गाइस देखना हम खा रहे हैं गाजर का हलवा, ये मैंने ही बनाया था जो घर पे वही है ये वाला। देखना गाइस हम खा रहे हैं गाजर का हलवा, ये देखना जो मैंने बनाया था परसों वही वाला हलवा है। रात के बज गए हैं 7, अब डिनर का टाइम हो गया है, और मेरे ना सर में दर्द बहुत ज्यादा हो गई है, दोबारा से तेल से मालिश करवा दी है फिर भी कम नहीं हो रही है, एक साइड को बहुत दर्द हो रही है सर में, तो मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। पहले तो सर में ही दर्द हो रही थी, अब हाथ पैरों में भी दर्द होने लग गई मेरी, और मैं बिस्तर पर बैठी हूँ और बच्चे काम कर रहे हैं, आज का डिनर बना रहे हैं मेरे हस्बैंड जी और बच्चे दोनों मिलके काम कर रहे हैं तीनों। तो गाइस अब देखती हूँ क्या बना रहे हैं आज खाने में, फिर आपको दिखाऊंगी क्या क्या बना रहे हैं। ब्राउन होने के सुबह डालेंगे टमाटर, हो गया ब्राउन तो गाइस देखना आज मेरा भांजा रखा है यहाँ पे, ये गांव से कुछ सामान ला रखा है। हेलो गाइस और क्या ला रखा है तो आज गांव से? गांव से हरी सब्जियां हैं, गडेरी है और पहाड़ की मूली है। अच्छा कौन लेके आया था? बुपी, बुपी यार। अच्छा अच्छा मैं भी यार हम पहले लेके आया था। हाँ ये भी लेके आया था जो मैंने पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था, तो ये लेके आया था तब, और आज इसका छोटा भाई गया था,
वो लेके आए हैं। हमारे कुछ ना कुछ आते रहता है गांव से, हफ्ते हफ्ते में आ ही जाता है हमारा सामान, हमें मिल जाता है गांव का सामान। बस तो आता ही नहीं है ब्लॉग में। अब इसको हो रही है जल्दी, हम फटाफट इसके लिए कॉफी बना रहे हैं, कॉफी पी के फिर जाएगा। तो गाइस आ गई है कॉफी बन के, और कौन लाया, राज जी? मामा जी लाती कॉफी है, मामा जी बना के लाए, बहुत टेस्टी को बनाते हैं मामा जी कॉफी। पहले भी कई बार पी चुका हूँ। कब भी यार ऐसे मत बोल, मामी बनाते भी आता है। आटे में नमक जितना तो चलता है मामा। चीज चुका देखो, चीज चुका दे। हर बार मामी के हाथ से ही पीता था यार, मामा के हाथ से पहली बार पी रहा होगा आज। तो गाइज कमल निकल चुका है घर को, देखना गाइज यार है सामान गाँव से। गाँव से सामान लेके आया था जो भांजे मेरा, इसमें है देखा मूली और ये साग आ रखा है, ये पालक आ रखा है देखता गाँव का पालक। अब इसका बनाएंगे हम कप, और ये राई के पत्ते। ये देखना इतना सारा भूज रखा है, लाने वाला था भुवन, भुवन को भी थैंक यू, और भेजने वाली है दीदी, दीदी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद दीदी। हर महीने कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं हमारे लिए, गांव के हर चीजें मिल जाती हैं हमको हफ्ते हफ्ते में। ये देखना पालक, दीदी का तो खत्म हो गया था जो दीदी ने बो रखा था, अब शायद उन्होंने खरीद के भेज रखा होगा। ये खत्म, तो गाइस आटा गूंथ दिया है शगुन ने, सब्जी उसके पापा ने बना दी है, अब मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ। तो गाइस देखना इनने बना दी सब्जी, ये बना रखी है गठेरी की सब्जी, छोटे बर्तन में पलट दी, और यहाँ हरी सब्जी आई थी जो वो भी बना दी है अभी, और शगुन ने आटा गूंथ दिया है, अब मैं बना देती हूँ फटाफट रोटी। मन तो नहीं कर रहा है काम करने का, पर करना पड़ेगा, रोटी बनाने को आती नहीं है किसी को भी ढंग से, इतना टाइम लगाते हैं ये, मैंने कहा मैं बना देती हूँ फटाफट। तो गाइस अब बनाती हूँ रोटी फटाफट। तो गाइस इनने सब्जी बना दी है, ये देखना गठेरी की सब्जी बना रखी है, और बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में पलट दिया, इसमें रख दिया, और मिर्ची भून के रखी है, मिर्ची इसके लिए भून के रखी है। देखना हरी सब्जी भी बना दी उनने, अभी जो आई थी हरी सब्जी वो भी काट कूट के धो धा के बना दी है, तो देखना। और शगुन ने देखना यहाँ पे आटा गूंथ के रख दिया, अब मैं बनाऊंगी फटाफट रोटी बना दूंगी मैं। मेरा मन तो नहीं कर रहा है, तबीयत सही नहीं है, पर क्या करूँ, इन लोगों को आती नहीं है रोटी बनानी, और बनाना शुरू भी करेंगे तो इतना टाइम लगा देते हैं, मैंने कहा फटाफट मैं ये बना देती हूँ, 8-10 रोटियाँ तो होती हैं। तो गाइस अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ फटाफट। देखना गाइस मैंने रोटियाँ बना दी हैं, और देखना दिन की सब्जी भी जो बची हुई थी वो भी मैंने गर्म कर ली, किसी का मन करेगा खाने का तो अपने आप खाएंगे, और मैं पूरा क्लीन करके बर्तन वगैरह धो के हट गई हूँ यहाँ से, अब मैं चले जाती हूँ फिर से बिस्तर में। अब ये इनका जब मूड बनेगा खाने का अपने आप खाते हैं, परोसने के लिए तो मुझे ही बोलेंगे, खा भी नहीं रहे अभी, अपने अपने कामों पे लग गए हैं। तो गाइज हमने खाना खा लिया है,
और अब मैं दवाई खा के सो जाऊंगी, मेरे सर में दर्द हो ही रहा है अभी तक। और गाइस मैं वीडियो करती हूँ एंड, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।